तो भाई लोग, मैं आज आपको बताऊंगा यूके के बारे में, क्या सिस्टम है क्या नहीं। तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आगे। भाई लोग, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर ही वीडियो को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग भाई लोग। तो मैं आज आपको बताऊंगा यूके के बारे में कि यहाँ कैसे आना है, क्या आना है। ये खैर बात की बात है, काफ़ी सवाल थे लोगों के कि यहाँ पे मिनिमम वेज रेट क्या है। वेज रेट भाई, यहाँ पे अगर आप कमा सकते हो पर घंटा, वो है आपका 9.5 या 10 पाउंड ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी भी गलत फहमी थी जब मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ था। मैं कहता था भाई जाएंगे 15-20 पाउंड पर घंटा मिलेगा। भाई तो मेरी बात सुने, ऐसा कुछ नहीं है। 15-20 पाउंड तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, क्योंकि 15-20 पाउंड इधर मिलना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, क्यों मुश्किल है, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। लंदन में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 11 पाउंड मिलते हैं, वो भी किसी किसी जगह पे। ज़्यादातर आपको हर जगह 10 पाउंड ही मिलते हैं। बट हमारी एक्सपेक्टेशन होती है भाई, हम जा रहे हैं कोई भड़ा इधर मस्त रेट होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, इन गलत फहमियों से दूर रहें। जो एक्सपीरियंस बंदा हो उससे ही पूछें कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ खुद हूँ, मुझे पता है क्या है क्या नहीं। भाई काफ़ी लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं यूके के लिए, जो अदर कंट्रीज़ के लिए। मेरी उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि आप जहाँ भी अप्लाई करें देख के करें, क्योंकि कंसल्टेंट तो आपको ऑप्शंस देते हैं, बट आप ख़ुद भी अपनी रिसर्च किया करें कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कैसा शहर है, कुछ है वहाँ पर नहीं है, कोई वहाँ पर सिटी सेंटर है, कोई अच्छा करीब शहर है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे ऐसे कोनों में चले जाते हैं जहाँ पर कुछ होता ही नहीं है, हर चीज़ बहुत दूर दूर होती है। खैर मैं हूँ कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में, ये एक छोटा सा अच्छा सा शहर है, इसके करीब एक बहुत बड़ा शहर है 20 मिनट की ड्राइव पे बर्मिंघम। वहाँ पे तो मतलब वो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है यूके का, तो हर चीज़ है यहाँ भी। ये भी छोटा सा अच्छा शहर है, बट हर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड है यहाँ पर, बट बर्मिंघम जैसा नहीं है। अगर आपको बर्मिंघम में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है तो आप ज़रूर वहाँ अप्लाई करें, क्योंकि बर्मिंघम, लंदन आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो लंदन इज़ अ बेस्ट एंड बर्मिंघम इज़ अ बेस्ट। उसके बाद ये दूसरे सिटीज़ आते हैं, कोवेंट्री हो गया, हेडफील्ड हो गया, बहुत सारे और। तो भाई लोग, मैं अभी खड़ा हूँ अपनी बिजनेस बिल्डिंग के आगे जहाँ पे मेरी क्लासेस होती हैं। मेरी क्लास है थोड़ी देर के बाद, तो मैंने कहा जब तक कुछ ना कुछ लोगों को बताया जाए। तो दूसरी बातें ये भी हैं कि आपको अगर यहाँ आना है तो अभी बहुत अच्छा टाइम है। अभी यूके सबको वीज़ास भी दे रहा है, क्योंकि बाकी जगहों पे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा भी बहुत मुश्किल हो चुका है, और यूके इसलिए वीज़ा दे रहा है क्योंकि यूके और यूक्रेन की कोई वॉर है, तो उस हिसाब से कोई अभी सिस्टम इनका बिगड़ा हुआ है। तो इसी तरह अगर मैं आपको यही ऑप्शन दूँगा, अभी अगर आप आ सकते हैं, निकल सकते हैं, तो यूके इज़ द बेस्ट। ऑफ़र लेटर हर किसी के ही लेट आ रहे हैं। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में अभी अप्लाई नहीं करें, क्योंकि कोवेंट्री मैंने सुना है, मैंने देखा भी है ग्रुप्स में, कि बहुत लेट ऑफ़र लेटर देती है, हर चीज़ में बहुत डिले करती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ था कोवेंट्री के चक्कर में, मैं भी बहुत बहुत मतलब देखा था, मैंने कोवेंट्री को सहा था, बट यहाँ पे आके सब कुछ अच्छा है। बट ये है कि आपको उधर बैठ के बहुत प्रॉब्लम होती है, जब तक कैश आए, जब तक और चीज़ें आएँ, जब तक ऑफ़र लेटर आए, क्योंकि बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना, आसान नहीं है बाहर आना। लोग तो कह देते हैं भाई कौन सी बड़ी बात है, बट मेरे हिसाब से आसान नहीं है कुछ भी, हर चीज़ में मुश्किल और हर चीज़ में मेहनत लगती है। तो यही बातें हैं, और भी आपको बातें बता दो। तो भाई लोगों का एक और भी सवाल था कि हम अपनी पढ़ाई के साथ यूके में अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप भूल जाएँ कि आप अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं, क्योंकि यूके इज़ अ मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ तक मैंने देखा है। क्योंकि मेरे और भी दोस्त हैं जो यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं वहाँ इजी है, बट यूके मुश्किल है, क्योंकि आपको फैमिली सपोर्ट ज़रूरी है यूके में, आपकी फैमिली ही आपको सपोर्ट करेगी, आपकी फ़ीस भरेगी। हाँ, जब आप पढ़ लेंगे, आप कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपको आप अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं उसके बाद, क्योंकि आप PSW पे होंगे, आप अपनी आपको कोई जॉब मिल जाएगी अच्छी, तो आप जो है अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं, मतलब अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं 2 साल बाद। तो यही आइडियाज़ हैं जो मैं आपको और भी बातें बताऊंगा। तो
ये बातें ध्यान में रखिए। तो भाई लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने लिया है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र। मैं पढ़ता था इकरा यूनिवर्सिटी में BBA, और मैं अब यहाँ पे कर रहा हूँ इंटरनेशनल बिजनेस। तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ट्रांसफ़र्स देती हैं, जैसे कि हर्टफोर्डशायर हो गई, कोवेंट्री हो गई, और भी अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। बट अगर आप लोगों को मुझसे अपना केस फाइल करवाना है तो आप मुझसे भी करवा सकते हैं। अगर आप कराची में रहते हैं तो आप, मेरे बहुत सारे अकाउंट्स अवेलेबल हैं, आप मुझे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल टाइम दूंगा। तो आप, पहली बात तो आप उस कंसल्टेंट के पास जाएं नहीं जो आपको बोले इस यूनिवर्सिटी जाएं, उस यूनिवर्सिटी जाएं। पहले आप खुद रिसर्च करें, आपको कौन सी यूनिवर्सिटी पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या करना है, समझ गए? तो उस हिसाब से फिर आने की बात नहीं है यार, मैं इस यूनिवर्सिटी में पता नहीं होगा या नहीं होगा। हर यूनिवर्सिटी से ट्रांसफ़र हो सकता है, चाहे इकरा हो, चाहे ज़ेबिस्ट हो, चाहे IBA हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे कराची से हो, लाहौर से हो, इस्लामाबाद से हो, और जहाँ जहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपका बिल्कुल ट्रांसफ़र हो सकता है। आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी क्रेडिट्स के ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ पे फिर आपको बताएंगे आपको किस लेवल में ये एडमिशन देंगे, Level 6 में देंगे, Level 5 में देंगे। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे अकाउंट्स अवेलेबल हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं, अगर आप कराची में हैं तो मेरे एक दोस्त की ऑफिस भी है, मैं आपको डायरेक्ट उधर से भी आपका प्रोसीजर करवा सकता। और आप लोग ये बिल्कुल मत सोचा करें कि ये कंसल्टेंट पैसे ले रहा है तो ये अच्छा होगा, ये कंसल्टेंट पैसे नहीं ले रहा तो नहीं अच्छा होगा। आप कंसल्टेंट के रिव्यूज़ पे जाएं कि वो आपको, आपका कोई दोस्त उसके थ्रू गया है, कोई बंदा जो है उसके थ्रू गया है, कैसा है वो, कैसे प्रोसीजर करता है, ठीक है ना, वो आपको रिस्पॉन्स देता है नहीं देता। काफ़ी कंसल्टेंट होते हैं प्रोसीजर करके गायब हो जाते हैं, रिप्लाई नहीं करता बंदा मैसेज कर रहा होता है। मेरे साथ खुद के साथ ऐसे बहुत सीन्स हुए हैं, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे अच्छे अच्छे कंसल्टेंट्स पता हैं, तो मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि जो इंसान पहुँच जाता है, जो इंसान कर लेता है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है अपनी जर्नी शेयर करते हुए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं वो शायद किसी और को ना हो, इससे हमारा भला होगा, हमें सवाब मिलेगा। तो इसीलिए यही बात है, तो आप प्लीज़ इस बात पे मत जाया करें कि ये कंसल्टेंट पैसे ले रहा है तो अच्छा होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। तो इस पे मत जाएं, रिव्यूज़ पे जाएं, रिव्यूज़ लें लोगों से, आपका कोई दोस्त गया है, आपका कोई जानने वाला गया है, कैसा है कंसल्टेंट, फिर ही आप उस कंसल्टेंट के पास जाएं। ओके, थैंक यू। सो व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा आज मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी दी है आज। तो आज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। वैसे तो आप लोग दूसरी वीडियोस बड़ी शेयर कर रहे होते हैं, कभी हमारी भी कर लें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।